तो दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका हुआ है, हालांकि धमाका लो इंटेंसिटी का बताया जा रहा है। एफएसएल की टीम ने सैंपल अब कलेक्ट कर लिए हैं, धमाके की जगह पर सफेद पाउडर मिला है और ये सफेद पाउडर इस बात का अंदेशा कि क्या ये धमाका हाई इंटेंसिटी का हो सकता है, क्योंकि एक महीने पहले रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर कुछ इसी तरह का धमाका हुआ था, बहुत ही तेज आवाज का धमाका हुआ था और वहां भी सफेद धुआं जो है वो निकला था, वहां से भी सफेद पाउडर जो है वो मिला था और इस बात को लेकर आश्वस्त थी जांच एजेंसियां कि वो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। तो ये आप देखिए तस्वीरें, ये जो सफेद पाउडर है वो आज प्रशांत विहार में जो धमाका हुआ है वहां से मिला और ये पहली तस्वीर जहां पे आप सफेद धुआं देख रहे हैं। सफेद पाउडर या सफेद धुआं, इस बात का अंदेशा कि धमाका जो है वो हाई इंटेंसिटी का हो सकता है। हालांकि शुक्र ये रहा कि कोई नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा है। लगभग 11:48 पर पीसीआर को एक कॉल आई जिसमें दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर बताई गई और ये एक बंसीलाल स्वीट्स के बाहर जो है वो धमाका हुआ है। एनएसजी और एनआई की टीम जो है वो इस वक्त मौके पर पहुंच गई है, जैसे ही खबर मिली बॉम्ब स्क्वाड जो है वो भी मौके पर पहुंच गया था। एजेंसियां काम कर रही हैं, समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था और कहां इसका टारगेट था। हालांकि कई सवाल खड़े किए हैं इस ब्लास्ट ने एक के बाद एक। अब तमाम जो एनएसजी की टीम हो, बॉम्ब डिस्पोजल व्हीकल हो, वो लगातार मौके पर हैं और जिस तरीके की तस्वीर है एनएसजी की टीम को देखे, K9 यूनिट है जो अक्सर जो ब्लास्ट वाली जगहों पर अपनी तमाम जांच है उसको पूरा करता है, कहा जाए कि सीक्वेंस को देखता है। तमाम एजेंसियां यहां पर आपको दिख रही हैं और किस तरीके की पूरी टीम है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके का 11:48 जब इस ब्लास्ट की कॉल हुई थी पार्क के सामने, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे और अभी जिस तरीके की तस्वीर है वो यही है कि K9 यूनिट है एनएसजी की और एनएसजी के तमाम जो एजेंसी के लोग हैं वो इस वक्त मौके पर हैं और कहा जाए कि उस ब्लास्ट की जो तस्दीक करेंगे, जांच करेंगे, सीक्वेंस तैयार करेंगे कि जिस तरीके का ये ब्लास्ट था और कहा जाए कि अचानक हुआ, ये हादसा नहीं था, ये किसी तरीके का प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। और अभी देखिए आप जो डॉग स्क्वाड के साथ बॉम्ब डिस्पोजल और एनएसजी की वो K9 यूनिट है जो इस वक्त मौके पर मुआयना कर रही है, जो वाइट पाउडर जो मिला है संदिग्ध पाउडर उसकी जांच की जाएगी और यहां से जो कहा जाए कि एविडेंस है उसको पूरी तरीके से कलेक्ट करेगी। एनआईए की टीम साथ में आपको दिख रही है कि पूरी तरीके से देखा जाए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो और साथ में एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, उस ब्लास्ट को पूरी तरीके से समझना चाहती है जो ठीक प्रशांत विहार इलाके में हुआ है और ये कैसा ब्लास्ट था और किस तरीके का मोटिव हो सकता है, किसी ने रखा है, शरारत की है, वो तमाम जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि अभी कुछ ही समय पहले, दिवाली से एक दिन पहले, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक धमाका हुआ था, वहाँ पर भी एनएसजी एनआईए की टीम पहुँची थी और आप देख सकते हैं तमाम वो इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो इस वक्त अंदर जा रही है और कहा जाए कि सैंपल कलेक्ट करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी और समझने की कोशिश करेगी कि वो जो पाउडर जो मिला है वाइट पाउडर वो किस तरीके का। आप ये देखिए, ये तमाम इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ जाते हैं जो बारीकी से उस चीज़ को चेक करते हैं और कहा जाए कि जब भी ऐसी कोई वारदात होती है, घटना होती है, वहाँ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके उस चीज़ को जांचा जाता है। हालांकि ये जांच का विषय अभी है और सीक्वेंस बनाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी और कहा जाए कि ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ अचानक से मार्केट प्लेस में हुआ, इससे पहले दिवाली के एक दिन पहले ठीक इसी इलाके में कुछ ही दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन किस तरीके का ब्लास्ट था ये जाँच होगी और क्यों किया गया इसकी जाँच होगी, क्या किसी की शरारत थी या कोई मैसेज देना चाहता था, तमाम विषय हैं फिलहाल इसकी पुलिस और कहा जाए कि एजेंसियां जांच कर रही है। कैमरा राणा अविनाश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़24 दिल्ली। तो देखिए लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार से एक बड़ी खबर जहां पर 11:48 पर पीसीआर को कॉल आई और दिल्ली में जो धमाका सामने आया, अब उसका इरादा क्या था, यह साजिश है या हादसा है, इसकी जांच की जा रही है। में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, मामला एक ब्लास्ट का है, संदिग्ध ब्लास्ट जो कि प्रशांत विहार इलाके में हुआ है, रोहिणी जिले के अंदर ये इलाका है और तस्वीरें ठीक मेरे पीछे है जहां ये ठीक एक ब्लास्ट, जहां इस वक्त एजेंसियां मौके पर हैं और तमाम उस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 11:48 पर जब कॉल मिली, बताया ये गया कि एक धमाका हुआ है,
हालांकि आलाधिकारी और जो दमकल विभाग है, चार गाड़ियां उन्होंने भेजी और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अचानक से धमाका कैसे हुआ। जब टीम यहां पर आई तो ये समझ पाई कि यहां एक ऐसा धमाका हुआ है जिसके पाउडर यानी पाउडर के निशान मिले हैं, व्हाइट पाउडर के। दूसरा, एक जो टेम्पो चालक है जिसको बताया जा रहा है वो घायल हुआ है धमाके में। मार्केट ठीक सामने पार्क है और ये बंसीवाला स्वीट्स यानी प्रशांत विहार का वो इलाका है जहाँ ये ब्लास्ट हुआ है। और पूरी तरीके से इस वक्त कहा जाए कि लोग ये जानने में हैरान हो रहे हैं कि इससे पहले भी, दिवाली से ठीक पहले एक दिन, इससे कुछ ही मीटर दूरी पर धमाका हुआ था, उसके बाद ये धमाका हुआ है। ये जब धमाका सुना आपने, आप लोगों को क्या पता चला? धमाका हुआ, हम वहाँ पे पास में ही थे, हम दौड़े चले हैं वहाँ पे देखने के लिए किस चीज़ का ब्लास्ट है। तो इनिशियली वहाँ पर एक व्यक्ति को चोट आई थी, तो वहाँ पे पाउडर भी मिला है वैसे, एक व्यक्ति को चोट आई थी तो उसमें उसको हैंड ओवर कर दिया गया दिल्ली पुलिस को, फर्स्ट एड दे दी गई है, वो व्यक्ति सही है। ये जो मार्केट प्लेस जहाँ पे धमाका हुआ है, वहाँ पे भीड़ भाड़ थी, क्या था उस समय माहौल क्या रहा? हाँ जी, वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं खाने पीने के, तो जनरली पब्लिक थी वहाँ पे, काफी बिजी रोड है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, 20 से 25 लोग भी थे वहाँ पे, और पार्क है, पार्क में से व्यक्ति निकलते घुसते रहते हैं। आपने कोई नुकसान देखा जब आप वहाँ पहुंचे? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, एक व्यक्ति को सिर्फ चोट लगने की वो है, अदरवाइज ऐसा कोई नुकसान नहीं। पुलिस कितनी देर में पहुंच गई थी? पुलिस आ गई थी 10-15 मिनट में आगरी कॉल करने के बाद। आपने क्या धुआं का गुबार देखा, कुछ था ऐसा? इतना कोई काला गुबार नहीं था, हाँ ब्लास्ट काफी तेज था, नॉर्मल ब्लास्ट से तेज था। अब वो चेक, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। आपको ये क्या लग रहा है कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक ब्लास्ट, उसके बाद ये ब्लास्ट, क्या लग रहा है मार्केट प्लेस में? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक दिल्ली पुलिस को या फिर सुरक्षा एजेंसियों को एक खबर देने का तरीका है, सूचना देने का तरीका है कि पहले भी CRPF स्कूल पे ब्लास्ट हुआ है, अब क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर ब्लास्ट हुआ है। तो ये तो क्या लग रहा है कि किस तरीके की स्थिति राजधानी दिल्ली में, क्या चीज़ दिल्ली में जिस तरीके की अभी तस्वीर देखने को मिल रही है, ब्लास्ट बैक टू बैक की, बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रही है। अगर दिन भर दिन अगर इस तरीके के ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, नेता लोग इस रोड पर रहते हैं, उनके घर के बाहर अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आम नागरिक के लिए सोचिए क्या, कहाँ जाएगा आम नागरिक, वो कहाँ रहेगा? बिल्कुल, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि एक जो ब्लास्ट है कि एक मार्केट प्लेस में है, कुछ ही दूरी पर यहाँ रिंग रोड है, और ये भी अभी जांच एजेंसियाँ जांच रही हैं कि इस रोड से जहाँ ये ब्लास्ट हुआ है, दोनों आना जाने वाली तरफों से तमाम CCTV को लिया जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि इस रूट पे जितने भी CCTV हैं, क्या ये प्लान किया गया था, क्या किसी की शरारत थी, क्योंकि व्हाइट पाउडर मिलना, सस्पेक्ट और जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरान कर रही है। और यही वो इलाका है जहां अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से व्यस्त रहती है, मार्केट शुरू हो रही थी, लोग वहां मौजूद थे, घायल की जिसकी सूचना है फिलहाल वो जाँच का विषय है। और जिस तरीके से एक ब्लास्ट जो पूरी मार्केट में हुआ है, कुछ ही समय पहले जब हुआ था तो उसके बाद भी सवाल खड़े हुए थे, फिर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक हैरान कर देने वाली घटना है, और कहा जा रहा है तमाम एजेंसियां इसको समझने की कोशिश कर रही हैं, जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी और करने वाला क्या कोई शरारती था या किसी ने जान कर ये किया। कैमरा राणा अविनाश के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर धमाका हुआ है, और आप देखिए किस तरीके से जो सफेद धुएं का गुबार है वो दिख रहा है, यानी कि इसमें सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी तरफ जो डॉग स्क्वाड है उसकी टीम वहां पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब हर एंगल से ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो धमाका है वो लो इंटेंसिटी का था या हाई इंटेंसिटी। हालांकि जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सफेद धुआं, ये जो सफेद पाउडर का इस्तेमाल है वो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट में ही किया जाता है, क्योंकि पिछले एक महीने में जो CRPF स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ था वो भी रोहिणी सेक्टर 14 में ही हुआ था, यानी कि ये प्रशांत विहार का इलाका है, और बीते एक महीने में ये दूसरी वारदात है जहां पर धमाका हुआ है।